मैं कमल मैम। कोर्स आप नई स्टूडेंट हैं? यस मैम। सो सब ऑलरेडी ग्रुप्स ऑफ फोर में हैं। ओके नो प्रॉब्लम, एक ग्रुप में पांच लोग हो सकते हैं। हु इज विलिंग टू टेक आवर न्यू फ्रेंड इन देयर ग्रुप? ओके ग्रेट, थैंक्स उस्मान, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। थैंक यू उस्मान। आयशा रुको यार, सॉरी यार, आई थिंक आई ओ यू एन अपॉलोजी। मैंने क्लास में तुम्हारे साथ काफी रूडली बिहेव किया। इट्स टोटली ऑल राइट, आई गेट इट। मेरा हिजाब देके तुम समझे होगे मैं वो कंजर्वेटिव टाइप हूँ। हाँ, मुझे लगा था तुम वो उस टाइप की लड़कियां नहीं होती जो वक्त से पहले ही आंटियां बन जाती हैं, हर मजेदार चीज को कहती हैं ये मत करो वो मत करो, लगा था मुझे इस तरह। बाय द वे आई एम क्वाइट द ऑपोजिट, क्योंकि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने डिवीजन में, रनिंग में, आई एम एन एथलीट। ओह फिर तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। रियली? किस चीज का? वुमेन स्पोर्ट्स का, WNBA, वुमेन्स फुटबॉल। By the way, I'm Aisha. Usman, nice to meet you. So thank you to everyone who completed the assignment. There was ek cheez jo maine notice ki thi. Teen papers identical the. Now plagiarism meri class mein completely unacceptable hai. Usually to main students ke naam nahi leti, lekin making an example is important. Yahan those identical papers belong to Aisha, Usman and Maria. वारिया उस्मान रुको, तुम दोनों ने कॉपी कर लिया यार। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे, हमने इसीलिए छोड़ा था ताकि कुछ सीख लें, और फिर तुम आ गई। फिक्र नहीं करो, इन्हें देख लूंगी, बाप के जाएंगे कहाँ। हेलो व्हाट्स अप। हाय। और आयशा टाइप लड़कियां भरी पड़ी हैं कॉलेज में, असल में थोड़ी पसंद आई है। चुप, तुमसे बात नहीं करी मैं और ना ही तुमसे। ने नलायक को वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया है, कुछ तो अपना लिखते। यार इसमें इन दोनों की गलती है, बचपन से ए टू जेड छापा मारने की आदत डाल दी हुई है, हमारा कसूर नहीं कोई। ट्रूविक तुम से हम हैं, यू गाइस हैव डिस्ट्रॉयड आवर फ्यूचर एंड नाउ यू हैव डिस्ट्रॉयड माइन। अच्छा मेरी माँ, अगली दफा अपने वर्ड्स में लिख दूंगा कुछ, मगर इससे ज्यादा उम्मीद ना रखना मेरे से, क्योंकि मैं ऐसे ही। वेलकम टू आवर लाइफ आयशा। देखिए कॉलेज गेट बुध और जुमेरात रात 7 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।